हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आर्ट वर्क का इस्तेमाल करके बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर पैटर्न में कपकेक बनाने वाले हैं। वनीला कपकेक बिना ओवन के बहुत ही फ्लफी, स्पंजी और बहुत ही यमी, बच्चों को भी पसंद आएगा और ये आर्ट वर्क का यूज़ करके आपको बनाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कपकेक को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 एग। तो सबसे पहले 2 एग ले लेंगे। अब हमें इसे 1 मिनट के लिए विस्क करना है, जब तक कि ये थोड़ा लाइट ना हो जाए। एक मिनट हो चुका है, इसका कलर भी लाइट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी और इसे फिर से विस्क करेंगे, जब तक कि ये थोड़ा फोमी ना हो जाए। इस तरह से फोम बन जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस और फिर से इसे विस्क कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसकी जगह हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इससे जल्दी थोड़ा हो जाता है। तो यह हमने विस्क कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। ये अभी भी थोड़ा थिक है, तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड कर लेंगे ताकि इसका बैटर थोड़ा स्मूथ हो जाए और हमारा कपकेक फ्लफी बनके तैयार होगा। इससे तो इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बैटर है कपकेक के लिए। तो इसका 2 टेबलस्पून यानी 1 टेबलस्पून इस कटोरी में और 1 टेबलस्पून दूसरी कटोरी में ले लेंगे। इसमें हमें कलर मिक्स करना है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और बाकी बचे बैटर को अलग रख लेंगे। अब एक बैटर में 2 ड्रॉप्स पर्पल कलर फूड कलर डालेंगे और 2 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर डालेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने फ्लावर बनाने के लिए यूज़ किया है। तो चलिए, अब थोड़ा ड्राइंग करने का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले कपकेक मोल्ड में ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसमें सिलिकॉन मोल्ड प्लेस कर लेंगे। आप पेपर मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कपकेक मोल्ड यूज़ कर लेंगे। इसे प्लेस करने के बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। अब एक एक करके सारे कपकेक मोल्ड को बैटर से फिल कर लेंगे। सारे मोल्ड्स फिल हो चुके हैं, तो अब इस पर ड्राइंग करते हैं जो हमने कलर बना के रखे थे। तो सबसे पहले हमें फूल बनाना है, तो इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप्स इस पर डाल लेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपको नहीं बनाना आ रहा हो, तो आप बेहतर होगा कि एक ही ड्रॉप एक जगह पे डालें, और आपको अच्छे से आता हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लावर पैटर्न बना के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से टूथपिक की हेल्प से फ्लावर पैटर्न बना लेंगे। बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा आराम से। इस तरह से सारे फ्लावर बना के रेडी कर लेना है।
अभी हमने फ्लावर बना लिया, अब इसकी लीफ भी बना लेते हैं। तो ग्रीन कलर से लीफ बनाएंगे इस तरह से, टूथपिक में ग्रीन कलर लगा के साइड से इस तरह से इसको कवर कर लेना है। ऐसे इसका लीफ बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन के तैयार होता है, और इससे कपकेक भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं सारे। ये देखिए, बस इसी तरह से आपको सारे फ्लावर्स बना के रेडी कर लेने हैं। तो ये सारे बन के रेडी, अब इसे बेक करते हैं। तो 5 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई को हीट करके रखा था स्टैंड रख के इसमें। अब इसी पे इस कपकेक मोल्ड को प्लेस कर लेंगे और इसे कवर करके हमें 15 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पे बेक कर लेना है। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं टूथपिक के हेल्प से कि ये बेक हो चुका है कि नहीं। तो उस पर टूथपिक पिक करते पहले, ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा कपकेक बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे ठंडा कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा गर्म है, कपकेक ठंडा हो चुका है। तो मोल्ड को अलग कर लेते हैं इससे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। पेपर मोल्ड भी अवेलेबल है और सिलिकॉन मोल्ड भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी कपकेक बना सकते हैं। ये देखिए कितना क्रिएटिव लग रहा है, और बहुत ही स्पंजी बिना ओवन के और बहुत ही इजी वे में बन के तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। तो इसे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ अंदर से ये कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है, ये देखिए। तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।